What's up guys, welcome back to our YouTube channel vlogging way. और भाई हर्ष भी हमारे साथ में है, एक्स बाइकर भाई, कल तो साथ ही साथ आ रहे हैं। हाँ, आजकल साथ ही साथ आ रहे हैं और धूप बहुत है तो अपन को ऐसे चलना पड़ेगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं आपको देख के पता नहीं चल रहा होगा, ये देखो पीछे से आवाज आ रही है। तो भाई अभी हम लोग हैं अतरंगी फेस्ट पे, तो अभी ये प्रॉपर तरीके से लग रहा है सब, जो भी स्टॉल्स लगा रहे हैं। तो अभी चलो पहले एक सिनेमैटिक दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसा कुछ सेटअप चल रहा है यहाँ पे, अभी सब प्रिपेयर हो रहा है। और ये देखो ये अलग घूमे जा रहे हैं, यो बॉय। ये देखो इसको पीछे देख रहे हो, हेलमेट माउंट किया। अब चलो और भी दिखाता हूँ कि कैसा क्या है यहाँ पे, क्या क्या लग रहा है, क्या क्या नहीं लग रहा है। आइसक्रीम खा लो फ्रेंड्स, आपसे भी बढ़िया आइसक्रीम। यहाँ पे बच्चों वगैरह के लिए लगा दिया है गेम खेलने के लिए, और ये ट्रेन है, और यहाँ पे भी कुछ छोटे बच्चों के लिए है प्लेइंग के लिए। तो ये काफ़ी अमेजिंग लगा। अब जो मेन सिनेमैटिक दिखने वाला है तो चलो दिखाता हूँ। तो सिनेमैटिक कैसे लगे फटाफट से कमेंट में बता दो। और अभी माहौल ज़्यादा नहीं है, रात में बहुत ज़्यादा माहौल होगा यहाँ पे। अभी बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी बहुत लग रही है, और इसका भी शूट करने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, ये देखो कितनी, मतलब ज़्यादा भी बड़ी जगह पर नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है। और नाइट में तो भाई अमेजिंग है, तो नाइट में आएंगे और आपको तब दिखाएंगे। अभी पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, इन लोग थोड़ा सा बैंड वगैरह है, पूरा प्रोग्राम है। तो चलो अब डायरेक्ट नाइट में मिलेंगे आपसे, और थोड़े बहुत और सिनेमैटिक डाल देता हूँ। तो जब तक एंजॉय करो, और मिलते हैं आपसे नाइट में। अब चलो हम लोग जा रहे हैं घर, और हम लोग को जाना है इसकी गाड़ी में पीपीएफ भी करवाने। तो चलते हैं घर की तरफ, और दादा वहाँ पे है, थोड़ा उसके फ्रेंड्स लोग भी हैं। तो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट। बैकग्राउंड सॉन्ग बहुत बिलोर दिया, शाम को फिर से आना पड़ेगा। और भाई ये घर के बहुत दूर है, ये जगह मेरे घर से तो बहुत दूर है, अप्रोक्स 35-40 किलोमीटर है मेरे घर से, तो फिर से आना पड़ेगा। तो देखो आ जाएंगे आप लोगों के लिए। चैनल को जब से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं वापस डायरेक्ट नाइट में। भाई अभी मैं यहीं पे अतरंगी फेस्ट पे खड़ा हूँ, अब डायरेक्ट रात में मैं आपसे मिलता हूँ। और रात में तो क्या ही सीन होने वाला है वो अभी देख के लग रहा है। चलो अब डायरेक्ट नाइट में मिलते हैं आपसे। तो भाई नाइट में आ गए हैं, बोला था वीडियो में। और अभी देखो ऐसा कुछ पार्किंग का सीन है, अभी पास में चल के दिखाते हैं कि कैसा क्या है। और भाई का बहुत सारा सेटअप है, तो चलो अभी अंदर चल के दिखाते हैं कि कैसा क्या होने वाला है। और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अतरंगी फेस्टिवल पे, और देखो भाई, हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आप लोगों को पूरा घुमाएंगे कैसा क्या है, क्या क्या स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। तो चलो और भी ज़्यादा, पहले तो सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ यहाँ पे। भाई सब फोटो शूट की लोकेशन है, और ये देखो तितली बनी है एक तो, और भाई की फोटो तो चाहिए। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मस्ती हुई है आज, और सारे लोग इतने सुंदर सुंदर लोग आए हुए हैं। सुंदर सुंदर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोंडा। यहाँ पे देखो भाई आयुष ठाकुर करके फिल्म से इनका, तो इनने स्टॉल लगाए यहाँ पे। तनीषा डिलाइट, ऐसे सभी ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। देखो बहुत सारे स्टॉल है, और वहाँ पे भी कुछ लगे हैं, कुछ कंपनियों भी लगाए हैं, जैसे ओकिनावा किया और सुजुकी वगैरह ने। तो वो भी चल के आपको अभी दिखाते हैं। भाई सी वाला व्यू देखो आप एक बार, एक नंबर व्यू भाई, एक नंबर व्यू ये वाला। ये जैक एंड जोन्स वालों के बाल कटे जा रहे हैं क्या? इन लोग ऐसी ड्रेस क्यों पहने हैं? ज़्यादा लग नहीं रहे इन लोग के बाल कट रहे हैं। तो चलो भाई अभी थोड़ा फोटो शूट कर लें, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतने सारे सेल्फी पॉइंट बना दिए हैं ये लोगों ने, कि आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कहाँ पे फोटो लूँ, कहाँ पे सेल्फी लूँ, समझ में ही नहीं आ रही है। देखिए व्यू यहाँ का, ये वाला देखो ना, और ये वाला व्यू भी देखिए, सटके लटका दिए इनने जितनी इनके
सारी कलर्स की पाइप्स वगैरह, ये सरकार से डील, कितना सुंदर ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर। ये छोटे बच्चों के खेलने के लिए बना दिया है, ये क्रिसमस ट्री 25 दिसंबर आने वाला है और वहाँ पे ट्रेन भी चल रही है और अभी आ गया हूं। सारे लोग, ये व्यू है, एंट्री यहाँ से है और एंट्री के बाद में जो है यहाँ से है स्टॉल्स वगैरह सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई अगर आप आते हो तो इस टाइप का कुछ बैंड मिलता है, इसकी टिकट कितनी है मेरे को नहीं पता है, इससे पूछना पड़ेगा। कितनी टिकट है भाई? फ्री है, फ्री अपने लिए फ्री है, बाकी पता नहीं। ऐसे टाइप के बैंड मिलेंगे हर डे, अलग अलग और डे लिखे, जैसे इसमें फ्राइडे लिखा है, ये देखो। आप अगर कल आओगे तो सैटरडे, और भी दिन आओगे तो ऐसे, ये कुछ दिनों के लिए लगा है बस। और अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आ सकते हो, मतलब एक बार विजिट कर लो, अच्छी जगह है, कपल आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, अच्छी जगह, एक बार विजिट कर लो मेरे हिसाब से। तो चलो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे खूब सारे खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, तो चलो वहाँ चलते हैं डायरेक्ट। ये वाला व्यू देखो, हर कलर की गाड़ी चल रही है और यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई। अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप जबलपुर से हो तो यहाँ आओ, ये वाला व्यू इन्जॉय करो, मस्त व्यू है। और म्यूज़िक वगैरह भी सब बंद हो गया है लेट, और भाई व्यू देख रहा है एक नंबर व्यू है। और यहाँ से ये भैया सब कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे खटवानी किया वालों ने अपनी, मतलब जो हमारे जबलपुर में शोरूम है, यहाँ पे अपना ये स्टॉल टाइप का लगा दिए। यहाँ पे सोनेट खड़ी है, ये सेल्टोस और ये कैरन, और यहाँ पे उन्हीं का शोरूम की सुजुकी की बाइक्स खड़ी हैं। ये देखो एडवेंचर बाइक्स है, जिक्सर एंड स्कूटीज एंड ऑल, तो ये भी अच्छा है एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने किया है। अब आगे चलते हैं, वो देखो काफ़ी सारे ये बाउंसर्स, फ़ोटो खींचने का काम मिल गया है भाई को। यहाँ पे कूलबग की तरफ से स्टॉल लगा है, ये देखो कूलबग नॉन अल्कोहलिक बियर, और यहाँ पे लगा है हेड क्वार्टर्स, ये पता नहीं क्या, ये क्या है भाई? ये भाई न्यू खुलने वाला है यहाँ जबलपुर में, रानीताल में इसकी ओपनिंग होने वाली है जल्दी, और इसके बाद भी कई सारे अच्छे अच्छे डिशेज हैं, तो जब खुल जाएगा तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या जब यहाँ पे आएंगे तब आप लोग एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ खाइएगा। और ये है हाउस ऑफ ब्लेंड्स का, ये भैया लोग को तो दिन में दिखाया था मैंने, अभी सारे लोग से आपको मिलवाता हूँ, सारे लोग भाई भैया, इसके बारे में बताओ नहीं क्या है? ये हेजलनट फ्लेवर है, हेजलनट फ्लेवर, अच्छा। और ये कॉफी बीन्स, ये कॉफी बीन्स है, इसे ग्राइंड होके फोटो फिल्टर में आती है, फिर उसके बाद ये कॉफी बनता है। अच्छा, इसमें से कॉफी निकलता है आपका, मिल्क कॉफी शॉट एड ऑन करने के बाद आपको क्या बोलते हैं, पूरा सेटअप है यहाँ पे भैया लोगों का, तो आप आओ इन्जॉय करो, हाउस ऑफ ब्लेंड्स का स्टॉल लगा है यहाँ पे। भैया की तरफ से हम लोग को फ्री में कॉफ़ी मिल रही है, ये देखो इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग फ्री की कॉफ़ी, थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस यहाँ पे हाउस ऑफ ब्लेंड्स का लगा है, और यहाँ पे हमारे हाउस ऑफ ब्लेंड के मेन बरिस्ता हैं, तो ये भैया लोग से भी आप मिल लो। हाय फ्रेंड्स, अतरंगी में आप सभी का स्वागत है। हाउस ऑफ ब्लेंड्स को आप जानते ही होंगे, जबलपुर का नंबर वन कैफे है, और यहाँ पे हम अभी हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, मॉकटेल्स, शेक, यहाँ सभी अवेलेबल है। आप जब भी अतरंगी में आएंगे तो एक बार हाउस ऑफ ब्लेंड में ज़रूर विजिट करिए, हमारी मेन ब्रांच राजस्थान स्टेडियम के पास है, कैफे भी आइए। तो फ्रेंड्स, हाउस ऑफ ब्लेंड को तो सारे लोग जबलपुर के जानते होंगे, जबलपुर का जो है नंबर वन कैफ़े है, और अगर आप लोग अतरंगी में आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए हमारे हाउस ऑफ ब्लेंड कैफ़े में। यहाँ आपको अंकित मिलेंगे, नितिन मिलेंगे, और साथ में मिलेगी कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी, और इनके पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेन्यू कार्ड वगैरह सब कुछ सामने लगा हुआ है, तो जब भी आए अतरंगी में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, 3 दिन और है ये शो, तो कल और परसों 2 दिन आप लोग और आके आप इन्जॉय कर सकते हैं कॉफ़ी और मॉकटेल्स और शेक्स वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे आ गया है पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा इन्जॉय करेंगे हम लोग पूरे खानदान के लिए, लेपिनोज की तरह से पिज़्ज़ा, इतना वाइट बॉक्स है, और एक पीस का साइज देखो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हैं, मेरे को तो ये कि चौपाटी टाइप का फील दे रहा है ना, हर एक चीज़ का भाई, रसना बस बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम का जो है, मतलब शहर में जितनी भी चीज़ है ना, हाँ, जितने भी मतलब फेमस रेस्टोरेंट या कैफे वगैरह, तो सारे चीज़ें एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। अभी तो हम लोग ने पिज़्ज़ा इन्जॉय कर ली, कॉफ़ी इन्जॉय कर ली, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पूरी रात यहाँ बैठ रहा हूँ। चलो क्या है यहाँ पे, शावरमा हाउस, चिकन वगैरह का, नॉन वेज वगैरह, जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए
है यहाँ पे। और अभी एक टाइम लैप्स दिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो अब घर चला जाए, बताओ बताओ। तो भाई मज़ा तो बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे। और अगर आप जबलपुर से हैं और अगर यहाँ नहीं, आ जाओ यार, अब आ जाओ, अब मैं भी बोल रहा हूँ आ जाओ, इतना अच्छा लग गया मेरे को तो यहाँ पे। आओ मस्त फैमिली के साथ आओ या मतलब फ्रेंड्स आओ, बहुत अच्छी जगह है ये मतलब आने के लिए। और वीडियो वीडियो भी बनाओ यहाँ पे आके। ये लो और पिज़्ज़ा आ गया, अब तो पेट भी भर गए, कौन खाएगा देखो इतना पिज़्ज़ा, कौन खाएगा भाई। ये भी भाई लैपनोज ने हम लोग को सब्सक्राइब भी कर दिया है और ये भी फ्री में पैक करवा लिया भाई ने पिज़्ज़ा। तो गाइस बहुत मज़ा आया और इसी के साथ जो है यहाँ पे हम जो है ब्लॉग ये ख़त्म कर रहे हैं। और एक मिनट ये क्या है, और कोल्ड कॉफी। तो भाई बहुत सब एंजॉय कर लेता हूँ मैं इसको, तो इसको तो ये दोनों चीजें जो है फ्री में मिल गई है। बट आप लोग आएंगे तो हो सकता है आप लोगों को ना मिले, तो मेरे साथ आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसके साथ अगर आना चाहते हैं आप लोग तो आप लोगों को फ्री में दिलवा देगा ये सारी चीजें, एक घूट लेकिन एक घूट से। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भाई अतरंगी मेज में आके मजा बहुत ज्यादा आया, तो आप लोग भी आए और एंजॉय करें। ओ भाई काफी मजा आया अतरंगी फेस्टिवल में। और जब मैं खाने पीने वाले स्टॉल में गया तब भाई मजा आया। मैं अब रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आओ, है ना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, घर जा रहे हैं हम लोग। और गाइस ये जो है ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये इतना ज्यादा लकी है कि अतरंगी मेज में आया, उसका एक रुपए नहीं लगा, सब कुछ खाया एक रुपए नहीं लगा, पिया फिर भी कुछ नहीं लगा। मतलब भाई किस्मत हो तो इसके जैसी हो भाई। तो अपन ब्लॉगिंग इवेंट से तो अपन के लिए सब चीज़ फ्री रहती है जहाँ भाई में। तो चलो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।